दोस्तों, बड़ी खुशी है आज हमें कि हमारी एक बहुत ही प्रिय विद्यार्थी ने बायजूस में अपना करियर की शुरुआत की है। बायजूस एक स्टार्टअप है और अभी बहुत ही कम समय में इसने बहुत तरक्की की है। ये ऑनलाइन एजुकेशन में कंपनी काम कर रही है। ये आने वाले ज़माने का बिजनेस है और इसमें बहुत स्कोप है। तो बात मैं आपको सीधा ले जाता हूँ, मेरे एक स्टूडेंट से इंटरेक्ट कराता हूँ जिसने अभी अभी इस कंपनी को ज्वाइन किया है, सौरभ कुमार। सर, सबसे पहले मेरा धन्यवाद आपको, क्योंकि आपके सपोर्ट के बल पे ही मैं अभी बायजूस में वर्किंग में हूँ। और सर, बायजूस में बेसिकली मेरा एकेडमिक काउंसलर का रोल है इसमें, कि जो अभी पैंडेमिक के टाइम में देख रहे हैं कि स्कूल कॉलेजेस बंद हो गए, फिर भी उस टाइम में भी स्टूडेंट ने अपना हिम्मत नहीं हारे और कंटिन्यूसली अपने एजुकेशन जो है पूरा करते रहे। और उसमें हम लोग का रोल है कि बच्चे को उस लेवल तक पहुंचाना जो बच्चे की कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होती है, तो कॉन्सेप्चुअल बेसिस हम लोग लर्निंग प्रोवाइड, कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे बच्चे की स्टडी मटेरियल प्रोवाइड की जाती है और विजुअलाइजेशन बेसिस पे। तो हम लोग का फोकस है कि हर बच्चे का जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ लेवल आगे बढ़ता जाए, क्लास ग्रेड आगे बढ़ते जाए। हम लोग का फोकस है कि बच्चे का कॉन्सेप्ट भी साथ में क्लियर हो, क्योंकि आगे वो अपने लेवल पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस कर पाए, टॉप लेवल तक पहुंच पाए, कंपटीशन की भीड़ से निकल के ऊपर टॉप में पहुंचे। तो हम लोग का बेसिकली रोल यही है। और मैं बायजूस को भी धन्यवाद करना चाहूंगा जो इस वर्क को, इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। और हम सब लोग मिलकर, हम लोग का मोटिव यही है, गोल यही है कि हर बच्चों को एजुकेटेड के साथ साथ उनका जो है खुद की कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। धन्यवाद सर। देखिए, ये वो विद्यार्थी हैं जो भविष्य के टेक्नोलॉजी के साथ काम कर रहे हैं, भविष्य के लिए तैयारी कर रहे हैं, और ये लोग डेफिनेटली बहुत शानदार तरक्की करेंगे, क्योंकि ये आज ऑनलाइन एजुकेशन सेक्टर में एंट्री कर रहे हैं जबकि ये शुरू हुआ है। अगले 10 सालों में, 15 सालों में इस सेक्टर में इतनी ग्रोथ है, इतनी ग्रोथ आएगी कि इस ग्रोथ की आंधी में ये लोग कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे हम लोग सोच नहीं सकते। तो इनके सुंदर भविष्य के लिए कामना करते हैं। और हमारे सारे पुराने अलुमनाए जो इस तरह तरक्की कर रहे हैं, उन सब के सुंदर भविष्य के लिए मैं कामना करता हूँ।